हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम परमेश कुमार। आई विल टीच सब्जेक्ट सोशल साइंस, क्लास 10th हिंदी मीडियम। सोशल साइंस का चौथा पार्ट इकोनॉमिक्स, जिसका पहला चैप्टर डेवलपमेंट विकास। इस चैप्टर से हमने आप सभी को कई टॉपिक्स क्लियर करा चुके हैं। टुडे इस टॉपिक नाउ मानव विकास का रिपोर्ट। तो आइए आप सभी लोग ध्यान से समझें और नोट करें। मानव विकास रिपोर्ट, जैसा कि इसके पहले हमने आपको राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इसके बारे में हमने स्पष्ट करा दिया है। आय और अन्य मापदंड, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, तो उसी से आगे टॉपिक है मानव विकास रिपोर्ट। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, परंतु यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है। जो हम अन्य मापदंडों के विषय में सोचने लगेंगे, ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक, जैसे हमने केरल और महाराष्ट्र की तुलना करने के लिए प्रयोग किए हैं, ऐसे ही सूचकों में हैं। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किए जाने लगा है। तो इसकी विकास सूची रिपोर्ट आप ध्यान दिए। उदाहरण, UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2018 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ समृद्ध आंकड़ों द्वारा या आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। जैसा कि वर्ष 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े, सकल राष्ट्रीय आय, जन्म के समय संभावित आयु, साक्षरता दर 25 वर्ष की जनसंख्या के लिए 2017, विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक, HDI का पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक है। पड़ोसी देशों में जैसे श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत के पड़ोसी देशों में, जैसा कि श्रीलंका का सकल राष्ट्रीय आय अमेरिका डॉलर में 11,326, जन्म के समय संभावित आयु 75.5, साक्षरता दर 10.9 और विश्व में मानव विकास सूचकांक 76 क्रमांक, भारत का 6,353, जन्म के समय संभावित आयु 68.8, साक्षरता दर जनसंख्या के लिए 6.4 और मानव विकास सूचकांक विश्व में 130, म्यांमार का 5,567, 66.7, 4.9, 148, पाकिस्तान का इसी प्रकार 5,331, 66.6, 5.2, 150 क्रमांक, नेपाल का 2,471, 70.6, 4.9, 149, बांग्लादेश का 3,677, 72.8, 5.8, 136। इस प्रकार वर्ष 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के आंकड़े, जैसा कि श्रीलंका
के बाद भारत 133 विश्व में मानव विकास सूचकांक, जिसे SDI क्रमांक के रूप में जानते हैं। ये स्रोत मानव विकास रिपोर्ट सन 2018 से प्राप्त होती है। इस पर निम्न टिप्पणियां इस प्रकार कर सकते हैं। SDI का अर्थ मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में SDI सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से है। सेकंड नंबर, जन्म के समय संभावित आयु। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर से की जाती है, ताकि उसकी तुलना की जा सके। या इस तरीके से भी की जा सकती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका प्रत्येक विश्व में भारत से आगे है, और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। यह तालिका ये भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में अधिक आधी से कम है, फिर भी वह भारत से आयु संभावित और साक्षरता स्तर से अधिक पीछे नहीं है। SDI के परिकलन के अनुसार अनेक सुधारों का सुझाव दिया गया। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे ज़्यादा आवश्यक है। विकास की धारणीयता, नेक्स्ट टॉपिक आता है विकास की धारणीयता। हम विकास को चाहे जिस प्रकार भी परिभाषित करें, लेकिन अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश बहुत अधिक विकसित है। निश्चित रूप से हमारी यही इच्छा होगी कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। परंतु भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का एक उदाहरण है। फसल और पौधों की ही तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। जैसे भूमिगत जल का अगर बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे।